This video is sponsored by Pixtoons Animation Studio. देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल. -20 डिग्री पर आर्मी का दिल दहला देने वाली ट्रेनिंग, ऐसा होता है नजारा. इन दिनों ठंड की वजह से लोग परेशान हैं. इसी बीच उन सैनिकों के बारे में सोचकर देखिए जो कोरियन माउंटेन पर बर्फ और कड़कड़ाती ठंड के बीच दिल दहला देने वाली ट्रेनिंग करते हैं. इन दिनों योंगचेंग माउंटेन पर अमेरिका और साउथ कोरिया के सैकड़ों नौसैनिक ट्रेनिंग कर रहे हैं. माउंटेन पर सैनिकों को इस तरह दी जाती है ट्रेनिंग. शर्टलेस इन सैनिकों को देखकर ऐसा लग रहा है जो मौसम बहुत साफ है, जिसकी वजह से अपनी ट्रेनिंग सेशन का एंजॉय कर रहे हैं. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. भारी बर्फबारी के बीच अगले साल होने वाले विंटर ओलंपिक और नौसैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है. 4 दिसंबर से इन सैनिकों की ट्रेनिंग हुई. इस एजेंसी के अनुसार ये ट्रेनिंग कोरिया के मैरिन एक्सरसाइज प्रोग्राम का हिस्सा है. इसमें 220 साउथ कोरिया के और 220 ओकिनावा सैनिक ने भाग लिया है. जैसे हर साल ये ट्रेनिंग यहाँ के सैनिकों को कम तापमान के बीच युद्ध कौशल के तरीके सिखाने के लिए दी जाती है. चारों ओर बिखरी बर्फ के बीच दोनों देशों के सैनिक शर्टलेस होकर स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करते हुए नजर आते हैं. खुश होकर करते हैं ट्रेनिंग सेशन को पूरा. -20 डिग्री टेम्परेचर के बीच सैनिक बिना शर्ट पहने हुए पुशअप्स करते हैं. इतने खराब मौसम के बीच इन सैनिकों के चेहरों पर तनाव जरा भी दिखाई नहीं देता है, बल्कि वो अपनी ट्रेनिंग को लेकर खुशी से पूरा करते हैं. इन सैनिकों को बर्फ से लुढ़कने, पहाड़ों से नीचे आने और शरीर को मजबूत बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है. फाइटिंग की प्रैक्टिस के दौरान इन सिपाहियों को एक दूसरे पर बर्फबारी करने की ट्रेनिंग भी दी जाती है. धन्यवाद.